得分。Welcome to What the Fun. Thank you so much for coming. Assalamu alaikum. Okay, so बच्चा लोग, आज हम एक ऐसे मसले पर नजरसानी करने जा रहे हैं जो आपका और मेरा सबका है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सब इस मसले से जरूर गुजरते हैं। भाई ऐसा है कि दुनिया में कहीं भी आप अगर किसी से उसका रिटायरमेंट प्लान पूछेंगे 40 साल की उम्र के बाद आप क्या करेंगे, तो वो यकीनन आपको बताएगा कि यार मैं बस 40 साल की उम्र तक पैसा कमाऊंगा, उसके बाद रिटायरमेंट प्लान होगा, आराम से जिंदगी सुकून से गुजारूंगा, सुख की बंसी बजाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप किसी बुजुर्ग से ये पूछते हैं कि भाई साहब आपका क्या प्लान है अब, तो वो कहेंगे बस यार पैसा कमाया है, उसके एक 3 मंजिला बिल्डिंग बनाऊंगा, उसमें से एक मंजिल पर खुद रहूंगा, 2 किराए पर दे दूंगा और सुकून से रहूंगा। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि ये जो मिडिल क्लास माइंड सेट है, ये आजकल के बच्चों को भी मुतासर कर चुका है। उससे भी पूछा ना, बड़े होकर क्या बनोगे, वो कहेगा मालिक मकान। सो यू गेटिंग माय पॉइंट। सो मालिक मकान जो है ना, वो बड़ी एक अजीब सी एक मखलूक है, उसका एक बड़ा हवा बना हुआ है। मालिक मकान खुद को हमेशा अमरीका और आपको बोस्निया समझता है, समझ रहे हैं आप। बचपन में हम लोग सुनते थे ना कि एक जिन जो है उसकी जान एक तोते में है, तो जो हमारे किराएदार हजरात होते हैं उन बेचारों की जान हर वक्त अटकी रहती है कि मालिक मकान किसी वक्त भी आकर कह देगा मेरा मकान खाली कर दो। सो काफी तकलीफ दे बात है। किराएदार हमेशा ये सोचता है कि यार अब तो मेरी हो गई दोस्ती, अब ना ये अगले साल किराया बढ़ाएगा ना मुझे निकालेगा। लेकिन मालिक मकान उल्टा सोचता है, वो सोचता है अगर मैंने इससे दोस्ती गाड़ ली तो ये तो नहीं जाएगा, ये तो घर पर कब्जा कर लेगा। तो बेसिकली पॉइंट ये है हमारा कि मालिक मकान और ये जो एक नोक झोंक है ये चलती ही रहती है। किराएदार जो है उसकी रूह के अलावा, आप में से काफी लोग इससे एग्री करेंगे, उसकी रूह, और स्पेशली कराची में, मैं भी कराची में रह रहा हूं काफी अरसे से, अब तो 17 साल हो गए, सो मुझे भी ये चीजें सहनी और देखनी पड़ती हैं। जितने भी किराएदार हैं उनकी रूह के अलावा हर चीज पे काबिज होता है मालिक मकान, चाहे आपके नहाने की टाइमिंग हो, आपके घर में पानी कितने बजे आएगा और कितना आएगा, आपका बिल, आपके घर में मेहमान कौन आते जाते हैं, हर चीज पर नजर रखता है आपका मालिक मकान। लेकिन खैर, जो किराएदार होते हैं ना वो भी बहुत तेज होते हैं, मैंने तेज का लफ्ज इस्तेमाल किया इखलाकन, क्योंकि एक नेशनल टीवी है। किराएदार जो होते हैं वो जानबूझ के बेल ही गलत बता देते हैं अपने मेहमानों को कि वो जब भी आएगा तो ऊपर वाली बेल बजाएगा, ताकि मालिक मकान को जाके दरवाजा खोलना पड़े, इनको ना खोलना पड़े। लेट्स से जस्ट अज्यूम कि अगर वहां पर कोई गंदा नाला गुजर रहा है, उसमें से कोई लाश गुजर रही है ना, तो वो कहे नहीं सर लाश थोड़ी है, ये तो एक अंकल है उल्टे मुंह तैराकी सीख रहे हैं, ये तो ही विल नेवर एक्सेप्ट दैट। So, आज का जो प्रोग्राम है वो इन्हीं 2 प्रजातियों, इन्हीं 2 जीव्स के बीच में है, जो के हैं किराएदार और मालिक मकान। देखते हैं कि आज का ये टाकरा कितना अच्छा रहता है और कितना पुरजोर रहता है। तो सबसे पहले हम दावत देंगे किराएदारों को, कम ऑन गाइस। आइए आइए आइए, आपका इसमें ग्रामी है कामरान, कामरान मियां, ऑल गुड, हदीका, ज़ैन, उरूज। आप लोग सब अच्छे हैं, आप लोगों को हमने सोचा कि किराएदार हैं, आज इनको पहले मौका दे देते हैं, क्योंकि मालिक मकान तो हावी रहते ही हैं हमेशा, लेकिन आपको दावत दे के कम से कम ये एहसास दिलाया जाए कि आपको कोई एहसास कमतरी ना रह जाए। क्या आप तैयार हैं अपने मालिक मकानों को देखने के लिए? नॉट एग्जैक्टली आपके मालिक मकान, बट दो मालिक मकान। सो लेट्स वेलकम मालिक मकान। ओके, अब क्या हो गया? ओनली चाहिए, क्या चाहिए फिर? मेरे मालिक मकान ने मुझे घर से निकाल दिया, कसम से। एडवांस फेंका, मैं एडवांस खाने को झुका उसने। ओ, काफी दर्दनाक है ये सिचुएशन। मुझे किसी ने बताया आपके 4 मकान है। नहीं नहीं, I'm taken। देखो एक मुझे दे दो मौसी। क्या बे,
मोहसिन हमारी मोहब्बत है, बहुत पुरानी मोहब्बत है। नहीं नहीं देखे देखो, क्लियर कर दें, पहले ही इल्जाम लग रहे हैं, हमारे यहाँ ये कानून पास नहीं हुआ। नहीं होने वाला था लेकिन रह गया। ब्रोमांस, इसको ब्रोमांस कहते हैं। ब्रोमांस वाले मोहब्बत, एक भाई के काम आता है। हाँ लेकिन आपको घर दे दो, ऐसा कैसे यार? किराए पे दे दो। हाँ किराए पर दे दो। मुझे घर से निकाला ना, बोल रहे तुम रातों को देर से आते हो। तो क्यों आते हैं देर से आप? यार खून ही रात में मिलता है, दिन में तो कोई छोड़ता ही नहीं है, तो रात में इसलिए जाना पड़ता है। आपका काम रात का ना, आपकी शिफ्ट रात को लगती है ना। एक तुम हो जो खुद भी रात को शोज करते हो। हाँ, मैं भी रात में आऊंगा, एडजस्ट रहेंगे हम दोनों भाई। ये कैसा एडजस्टमेंट करना चाहते हैं आप मुझसे? मतलब टाइमिंग का कोई मसला नहीं होगा ना, आप भी रात में जाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, वो बोर होते हैं, वो आपको बर्दाश्त कर पाते ओके 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 मिस्टर, आपका हल निकल सकता है। ये चार चार मालिक मकान खड़े हैं यहाँ पे, आप इनमें से किसी से भी घर ले सकते हैं। चारों मालिक मकान है? हाँ ये मालिक मकान है। जो ये बेचारे किराएदार, ये हम सब एक सफ में खड़े हैं ना, महमूद अयाज। माशाल्लाह मुझे तो ये मालिक मकान और ये किराएदार लगे। ये देखे माशाल्लाह, और ये देखे वो तो बिल्कुल नहीं लग रहे जो बीच में खड़े ब्राउन शर्ट वाले। आप प्लीज अगर कोई मकान खाली है तो मुझे दे दें, छोटी सी मेरी फैमिली है, छोटे छोटे से हम लोग हैं। है ना? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम छतें खराब करें, दीवारें खराब करें, हमारे हाथ ही नहीं जाते। मोहसिन भाई मेरे पास इनके लिए एक मकान है। ओके परफेक्ट, 5 की डीपी है, छोटे छोटे लोग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, हर जगह सही करवाना। फिर वही माचिस की डिबिया से तीरी निकाल के ना मैं घर को आग लगाऊंगा आपके। और आई लेट्स जो मैं ये इनसाइड जोक था, इसको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला सेगमेंट है टॉप रिस्पॉन्स। ओके सो टॉप रिस्पॉन्स में मालिक मकान जो है उनसे हम शुरू करते हैं। आप लोगों से एक एक सवाल किया जाएगा और आप लोगों में से कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है आप उछक सकें, ताकि इस टीम को आप मात दे सकें जिनके ऊपर पहले ही आप हावी हैं मालिक मकान होते हुए। पहला सवाल रहा ये, वो क्या है जो मालिक मकान किराएदार को पूरा नहीं देना चाहता? जिससे पूछा जाएगा वो जवाब देगा, वरना -10 होने का खदशा रहेगा। वो क्या है जो मालिक मकान किराएदार को पूरा नहीं देना चाहता? लिया हुआ एडवांस। एडवांस लिया हुआ एडवांस, यस आई एग्री एडवांस वाली जगह बिल्कुल जोर से आप पक्के मालिक मकान है ना, परफेक्ट आंसर था ये। मैम आपको क्या लगता है वो क्या है जो मालिक मकान किराएदार को पूरा नहीं देना चाहता? यूज करने के लिए छत, घर की छत वगैरह, घर की जो छत होती है टॉप फ्लोर। हाँ हाँ, छत वाला रास्ता नहीं देते वैसे, ये भी अच्छी बात है यार। ये क्या लॉजिक है इसकी? छत तो नहीं होती है, ये अजीब बात है यार। हमारे बच्चे ना जावे ऊपर धूप से, एक नहीं आपने मकान दिया छत थोड़ी दी किराए पे, अजीब बात है यार। आओ देखते हैं, पसंद नहीं आई ये बात मुझे। लो घर की छत, अजीब बात है यार ये। सर आप थोड़ा रहम करें और आप बताइए कि वो क्या है जो मालिक मकान किराएदार को पूरा नहीं देना चाहता? कलर करके नहीं देना चाहता, पूरा रंग करके पूरा घर नहीं देना चाहता। वो कहता है एक आध कमरा करके नहीं, है ना, फिनिशिंग करके नहीं देना चाहता, फिनिशिंग करके नहीं देना चाहता भाई। ओ पूरा घर करके देना। वेल प्लेड वेल प्लेड वेल प्लेड गाइस, आपको क्या लगता है मैडम के वो क्या है जो मालिक मकान किराएदार को पूरा नहीं देना चाहता? चेंजेस है, चेंजेस वगैरह करना। क्या इसे चेंजेस? मेरा हाथ बटाओ आगे, मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ घर की डेकोरेशन वगैरह चेंज करने के लिए देता। ये ना बेचारी बच्ची को ना जहेज में मिला मकान, ये मालिक मकान है नहीं, ये बता दूं मैं। भाई अगर MCR वालों को समझ आई है तो देख लो, चेंजेस नहीं करके मिला उनको भी नहीं आए। यस सर आपको क्या लगता है वो क्या है जो मालिक मकान किराएदार को पूरा नहीं देना चाहता? पूरे पूरी प्रीमिसेस का एक्सेस। पूरी प्रीमिसेस का एक्सेस, यानी कि वो जो गैराज में गाड़ी भी नहीं खड़ी करने देते, गाड़ी कहते बाहर खड़ी करो, हमारी अंदर खड़ी होगी। यस एग्जैक्टली आई एग्री, पूरी प्रीमिसेस का एक्सेस नहीं देते वो किराएदार की बाइक या। हां लेकिन एक बात जो मैंने बात की वही है, बाइक या गाड़ी अंदर नहीं। यस मैम आपको क्या लगता है वो क्या है जो मालिक मकान किराएदार को पूरा नहीं देते? एडवांस पेमेंट। वो तो बोले जब ये कह रहे थे आप कहाँ थी? नहीं नहीं मैंने सुना। ओ अच्छा, फिर भी आपने इतने कॉन्फिडेंस से रिपीट कर दिया जवाब। नहीं मैंने सुना शायद। ये दिमाग चाहिए, ये जिस तरह किराया बार बार लेती ना, सवाल भी बार बार लेती। एडवांस पेमेंट कह दिया मैडम ने, आओ मिलके एक क्रॉस देखते हैं लाल रंग का इधर। वाह क्या अच्छा लग रहा है,
यस सर, आपको क्या लगता है कि वो क्या है जो किराएदार को पूरा नहीं मिलता मालिक मकान की तरफ से? इसमें लेट नाइट दरवाजा खोलना। लेट नाइट घर लौटने की इजाजत नहीं मिलती भाई? हाँ, ये पूरा नहीं देता मतलब लेट नाइट मिलने की इजाजत, वापस आने की इजाजत नहीं देते ना। अच्छा। मैंने उसमें से निकाल लिया ना जवाब। ओके। लेकिन गलत आ गया। फिर भी गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आखिरी चांस है आपके पास। अब तक आप लोग सिर्फ 40 नंबर रख सके हैं, 10 नंबर और लेकर 50 तो कर रहे हैं। यस मैम। मतलब वो जो मीटर की चेंजेस वगैरह होती है, बिल कम कर देना, वो आप चेंजेस पे हैं यानी? हां ये चेंजेस। हां तो मीटर की चेंजेस होती है, आपका बिल कम आए। हां इनका है कि चेंज कोई ना कर दे मेरे घर में, अल्लाह खैर करे। ये गलत बात है, उसकी चेंजेस होती हैं। हां बिल्कुल ठीक है भाई, बिजली का बिल ना चेंज कर दे, कोई मीटर की चेंजिंग ना कर दे, कोई कुंडा ना डाल दे। हां और उसका कम बिल आता है, बाकी लोगों के घर में ज्यादा बिल आता है। ज्यादा बिल आता है, बिल्कुल ठीक है। बहुत टाइम में है बाजी, बिजली पूरी, मैं कह रहा हूं आपका शो दुआ करो खैर से गुजर जाए। लो क्रॉस। सर मीटर टैंपरिंग की कहां इजाजत देते हैं? है ना, कोई भी नहीं देगा इजाजत, कोई भी नहीं देगा। ओके, सो आप लोग ले सके हैं 40 नंबर, नॉट बैड नॉट बैड। आप लोग तो 50 ले ही लेंगे, है ना? है ना, हाँ कॉन्फिडेंट रहो। आप में से कोई जवाब देना चाहता है? यस सर, आप बताइए। कि पानी कम इस्तेमाल करें। पानी ज्यादा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलती ना। हाँ पानी, पानी पानी का बंटवारा, ये भी एक कराची का एक बहुत बड़ा अलमिया है और मसला है। यस मेरे दोस्त, गुड वन। यहां से कौन? एनीवन? यस मैम। मालिक मकान के घर में तांग झांग करना है? ओके, तांग झांग की इजाजत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये करके भी नहीं है। नो नेवर। देखे अब आप ऊपर की मंजिल पे आप तांग झांग करते हैं हमारे शो में, बुरी बात है। चलिए जवाब ये तो नहीं है, तो जानते हैं कि पहला जवाब क्या है। क्या है? हल्ला गुल्ला करने की, गुलगप आड़ा करने की, पार्टी करने की इजाजत नहीं है भाई। पार्टी करने की कोई इजाजत नहीं। छत पे आवाज आती है, डरम डरम की। हाँ एग्जैक्टली, वो नहीं मांगता। लेकिन शादी वगैरह करते हैं तो करते हैं। शादी वगैरह कर सकते हैं। हाँ ना, मुझे वैसे मुझे हल्ला गुल्ला होता है, नहीं कर सकते। लेकिन छत यूज करने नहीं देते। हाँ नहीं करने देते ना। ओके सही है, तो 40 नंबर ले सके, बुरा नहीं खेले, लेकिन इससे अच्छा खेल सकते थे। अभी सामने वाली पार्टी का पता नहीं चला ना। हाँ अभी तो यहाँ से ढक्कन उठेगा तो पता चलेगा क्या है। देखने में अच्छे हो। हाँ हाँ है ना, एंड पे पता चलेगा हार जाए। बहुत सारी इमारतों में कलर अच्छा हुआ होता ना, अंदर से खोखली होती है। सो इनकी उम्मीदों पे जरा पानी फेरे। और आपका सवाल रहा ये, घर लेने से पहले किराएदार मालिक मकान को क्या दिखाता है? आप नहीं बोलेंगे? No, जिसे पूछा गया। बारी बारी। Easy guys, easy. Yes sir, घर लेने से पहले किराएदार मालिक मकान का क्या देखता है? रहन सहन। किस तरह बात करते हैं, हुस्ने सुलूक के तरह। हुस्ने सुलूक कैसा है? किराएदार से किस तरह बात किया जाता है? इस्लामियात की किताब वाली फील आई है मुझे आपसे। क्या बाजी खलोजा कितने होना दी बारी है? नंबर गाड़ी आएंगे। हाँ नंबर माइनस हो जाएंगे आपके। ओके चलिए, हुस्ने सुलूक देखता है, उसका इखलाक देखता है। बिल्कुल सही जवाब। ओके परफेक्ट। यस मैम, आपको क्या लगता है कि घर लेने से पहले किराएदार मालिक मकान का क्या देखता है? घर की लोकेशन देखते हैं। घर की लोकेशन देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। बाहर की मानता है, बाहर उन्होंने सफाई रखी हुई है नहीं रखी हुई, सफाई सुथराई। लोकेशन देखते हैं, उस घर की लोकेशन। सफाई देखते हैं, सफाई रखी हुई है, अगर नहीं रखी हुई तो हम लाके गंदा करें। रखी हुई है। यस सर, आपको क्या लगता है कि घर लेने से पहले किराएदार मालिक मकान का क्या देखता है? किराएदार ये भी देखता है कि जो है ना वो मालिक मकान की फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। मालिक मकान की फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, साथ रह रहे हैं ना। Okay. अगर मेरी फैमिली छोटी है, मालिक मकान की बड़ी है, या उसकी फैमिली में ज्यादा लड़के हैं और मैं प्रेफर नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स, हां बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। उसकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं उसके? फैमिली मेंबर्स कम हो, कम होने चाहिए भाई मालिक मकान के। उसके घर में ज्यादा लड़के नहीं होने चाहिए। लड़के नहीं होने चाहिए, जोर लड़कों पर है। हां जोर लड़कों पे ज्यादा है ना। वेरी पोसेसिव, वेरी पोसेसिव। यस मैम। लड़कियाँ, अगर आप जैसे लड़के आ गए तो मसला हो जाएगा ना मालिक मकान के। मुझे मुझे खुशी इस बात पे नहीं है, गम इस बात पे नहीं है, मुझे खुशी इस बात पे, मुझे लड़का बोला बस। मैंने कहा खुश हो जाएंगे थोड़ा सा और साथ दें इनको, इनको अगर मेरी उम्र पता चल गई ना, ये लड़का नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, उम्र तो पता है, मैंने कहा खुश हो जाएं, वैसे आप घर ना मिलने से परेशान है। जी आपको क्या लगता है घर लेने से पहले किराएदार मालिक मकान का क्या देखता? बातचीत का तरीका, फैमिली मेंबर्स, और मतलब ये इन दोनों ने बताया अभी? नहीं, जैसे नेबर्स वगैरह से भी पूछते हैं कि भाई ये लोग किस तरह रहते हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट वगैरह या लड़ाई झगड़े वाले तो नहीं कि हमें कल को लड़ाकू तो नहीं है? लड़ाकू तो नहीं है भाई, किताब दे देना हम पढ़ लेंगे। हमें लिख के दे दे, हम आराम से घर जाके। लड़ाकू तो नहीं है भाई मालिक मकान। अच्छा ओ
कि वो कोई गलत आदमी तो नहीं है, गलत आदमी लड़ाई झगड़े वाले बदमाश तो नहीं होगा ना, चाय वाय तो नहीं पीता, नहीं वो किसी का खून नहीं, क्या है नीट चाय तो नहीं पीता, आप पक्का कर दे वो किसी का खून पी गया है और किराएदार पकड़े जाए, मकान मालिक लग रहा है ना सर, आप बताइए कि घर लेने से पहले किराएदार मालिक मकान का क्या देखते हैं? दिमाग देखना है। इखलाक तो हो गया, इखलाक तो हो गया कि वो बार बार तंग ना करे, कि बार बार किराएदार को तंग ना किया करे, तंग करने वाला ना हो, करने वाला ना, सवाल करने वाला ना हो, बार बार घर आने वाला ना हो, घर के चक्कर लगाने वाला ना हो, क्या करे क्या नहीं कर रहे, सवाल जवाब करने वाला नहीं होना चाहिए यार। दो बार ओए ये पसंद गया, ओए होए होए बड़ी खुशी हो रही है अभी 40 हो गया। यस मैम, कंजूस ना हो, कंजूस ना हो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? दीवारें गंदी हो रही है, पेंट नहीं करा के दे रहे, नहीं करा के देगा मतलब शाह खर्च देखते हैं कि भाई जरा, हां जरा, हां पेंट नहीं करा के दे रहे, वायर सारे टूटे हुए हैं, मुस्लिम शावर नहीं चल रहा टाइप के मसाइल हैं, मतलब आप कंजूस कराए मतलब अरे सर सवाल सही हो गया यार, हो गया सही, हाँ कंडीशन ओके। सो अभी तक आप लोग लीड तो ले गए भाई, अभी भी आपके पास दो मौके बाकी है, तो आप 60 नंबर पूरे करके वोट ले कर सकते हैं सर, आपको क्या लगता है? अच्छा किराएदार ये भी देखते हैं कि वो मालिक का ऐसा तो नहीं है जो बार बार घर खाली कराते हो, हर थोड़े टाइम बाद उनको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमें किराएदार को शिफ्ट करने में मसला होता है। हां ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा शिफ्टिंग तो नहीं करवाते, बहुत ज्यादा घर तो नहीं खाली करवाते, बार बार कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी तो नहीं करते, इट्स ओके इट्स ओके, इट वाज अ गुड आंसर, टेक्निकली इट वाज अ गुड आंसर। यस मैम, आपको क्या लगता है? लास्ट चांस, हम बगैर किसी प्रेशर के आराम से तसल्ली से मुकाबला आप जीत चुके हैं। ये भी कि ज्यादा आना जाना ना करें किराएदारों के घर पे, आप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपके कितने लोग आ रहे हैं, सवाल जवाब ज्यादा ना करें कि मेहमान आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ये कौन है वो कौन है टाइप का। ओके बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल ना करता हो, नजर ना रखे, लो भाई तंग करने वाला ना हो, कंफर्म दिखाइए। आपका कोई दोस्त वोस्त नहीं है MCR में? मतलब हमारी टीम में से कोई मेंबर आपका कोई दोस्त है क्या? नहीं। क्यों, ये क्या हुआ? काश होता। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना दोस्तों, इजी, काश होता। मुझे नहीं है नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि हम पक्के किराएदार, जेन्युइन किराएदार है ना, वो खुद भी किराएदार है, वो दुख समझ रहे हैं मुझे लग रहा है, लेकिन 60 नंबर ले लिए भाई, तालियां बजा दो इनके लिए, क्या बात है, वेरी वेल प्लेड, Well played, guys, well played. चलिए, अभी ये राउंड पूरा नहीं हुआ, तो आप लोग 60 और ये 40 पर हैं, आपका अगला सवाल जब आएगा तो आप लोग अभी भी बाजी पलट सकते हैं। ओके, सो अगला सवाल रहा ये, मालिक मकान, वो क्या चीज है जो किराएदार मालिक मकान से बिना पूछे करना चाहता है? मीटर टेम्परिंग मीटर में चेंज, यस मीटर करवा, गुड आंसर, अजीब कॉम है हम वैसे यार कोई काम दुरुस्त नहीं हमारा। यस मैम, आपको क्या लगता है वो कौन सी चीज है जो किराएदार मालिक मकान से बिना पूछे कराना चाहता है? घर का कोई फंक्शन वगैरह घर में, ओके घर में कोई इवेंट करना चाहता है लेकिन वो चाहता है कि कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, घर पे कोई बड़ी तकलीफ करना चाहता है। ओके यस सर, आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज है जो किराएदार बिना पूछे मालिक मकान से करके गुजरना चाहता है? नहीं, उसमें ये है कि अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाए। ओके, अपनी मर्जी से आना जाना चाहता है और वो हाँ, उसको लगता है कि उससे सवाल जवाब ना किए जाएं। यस ओके यस मैम, आपको क्या लगता है कि किराएदार बिना पूछे क्या करना चाहता है? वो बता दें जो आप करना चाह रही हैं, बता दें, वही सोच रही हूं मैं, रेटिंग आ जाएगी हमारी, मैं सोच रही हूं, बता दिया था ना वो वाला भी, क्या कर सकता है बिना पूछे करना चाहे, बिना पूछे और मालिक मकान के इल्म में भी ना लाए मालिक मकान, और कर भी क्या सकता है, कर भी किराएदार क्या कर सकता है, किसी किराएदार ने किया दूसरा कमरा निकाल देना घर से, मतलब किराएदार के बदले आगे कोई चोर दरवाजा निकाल के अंदर एक ताकि रात में आने में परेशानी ना हो, सुरंग टाइप का कुछ, चले देखते हैं ये कोई बहुत ही तकरीब कारों वाला जहन पाया कि अंदर से कोई अलग कमरा जेम्स बॉन्ड चल रही है। यस सर, व्हाट डू यू थिंक? सर जो फिक्स स्ट्रक्चर्स है उसको तोड़ के कुछ बनाना चाहता हूं, कुछ बनाना चाहता है अंदर से, कुछ दीवार तोड़ के या दीवार तोड़ के कोई नई चीज अंदर तख्लीक करना चाहता है, खामोशी से
और चाहता है कि वो ओके जवाब क्या है इस सवाल के? बस ये दो ही जवाब ही हैं, है ना? उसके अलावा जवाब भी नहीं है। तो ये जो लिखे हैं मेरे पास, ये कौन लिखता चला गया? यस मैम, मुझे लगता है कि वो जनरेटर वगैरह घर में फिक्स करना, गैस के साथ उसका कनेक्शन। बिना बताए मालिक मकान को जनरेटर फिक्स करवाना चाहता है, गैस पे जनरेटर। ठीक, तीसरा आ गया ना। यस सर, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जिस तरीके से कोई तकरीब होती है, इसी तरीके से कुछ मेहमान ऐसे आ जाते हैं जो कि वो बताना नहीं चाहता, लेकिन वो मतलब रुक जाता है मेहमान जाता है बिन बुलाए घर में, बिन बुलाए, जैसे रश बनाना। अब बताना ये कि हम सिर्फ दो मियां बीवी रहेंगे और बाद में जो है वो बहुत से लोग वहां पे आना जाना उनका शुरू हो गया है। काफी गलत बात करना चाहते थे आप, मैंने उसको बड़ी बहुत मुश्किल से गोल किया। चलिए आइए देखते हैं जवाब। ओके, लास्ट चांस है आपके पास। जवाब तो सही था, आपको तो वैसे ही आपने हथियार डाल दिए हुए हैं कि दो सवाल इसके जवाब ही नहीं। नहीं, ये हो सकता है कि जैसे मतलब कि ऑलरेडी रह रहे हैं और बीच में एक रूम किसी और को दे दिया। रूम शेयरिंग, रूम शेयरिंग, रूम शेयरिंग। हां, पर रूम शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग इज कैरी, और इसके लिए लेट्स सी, रूम शेयर कर देते हैं किसी और के साथ। नहीं भाई, ये नहीं करवाएगा रूम शेयर, है ना? ये नहीं होने देगा आपका रूम शेयर, ये कल ऐसा होता है। आप भी बताना चाहेगा? एनीवन? यस सर, आप बताएंगे प्लीज। घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवाना बगैर बताए, घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवाना बगैर बताए, इससे मिलता जुलता जवाब ऐसे आया था, लेकिन लेट्स सी इफ इट्स देयर और नॉट। नो, इट्स नॉट देयर। आप में से कोई, यस सर, आप बताइए प्लीज। कमरे में, लॉन में, गार्डन में, किचन में, वॉशरूम में, हर जगह एक एक कील ठोक कर, कहीं पर तस्वीर, कहीं पर तौलिया, कहीं पर कपड़े, तो कुछ सर वही हो गया। आई नो राइट। जगह जगह सीनरी लगाना, हाँ एग्जैक्टली, सुराख कर देते हैं हर घर में। यार ये जगह बड़ी अच्छी है, वही तो बोला। चलिए आइए देखते हैं जवाब नंबर तीन। पानी के लिए एक्स्ट्रा ड्रम टंकी रख लेना ऊपर, हाँ बगैर बताए, हाँ बगैर बताए, बिल्कुल सही। फिफ्थ आंसर, एसी लगवाना, हाँ बगैर बताए एसी लगवाना, बगैर बताए कैसे एसी लगता है? हाँ भाई, अपनी आउटर तो बाहर होता है, आउटर तो बाहर होता है वैसे, है ना, पता लग ही जाता है। नहीं नहीं, वॉशरूम में भी आउटर लगा लेते हैं। रियली? आइडिया देख रहे हो, आइडिया देख रहे हो, खिलाए जा रहे हैं ना। आइए, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि ये सेगमेंट, ये वाला जो राउंड था, अच्छा नहीं खेल पाए, ये सिर्फ 30 रन है इनके, तो आप लोग इससे बहुत बेहतर रन अभी बना सकते हो और अच्छी लीड ले सकते हो। लेट्स सी आपका सवाल क्या है। वो क्या है जो किराएदार को करने की जल्दी रहती है? ये कि बस किराया जल्दी जमा हो जाए, मकान मालिक से जान छुड़ा है। आइए देखते हैं क्या ये जवाब हमारे पास है। मालिक मकान की चिख चिख से जान छूट जाए जितना जल्दी हो सके। No, it's not there. वो क्या है जो किराएदार को करने की जल्दी रहती है? जब पानी स्टार्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ आपको पता है हम कराची में रहते हैं, पानी तो आता नहीं है। I know this feeling. Okay, तो हमारे यहाँ कराची में मैं अपनी टंकी जो छुपा के रखी है ना वॉशरूम में, वो भर लूं पहले। वो पहले भर लूं, पानी आने पर सबसे पहले टंकी, बाल्टियां, टब सब भर लूं मैं। और ये अच्छा जवाब था, ये क्या है? That was a good answer. I like it. Yes sir. MCR वाला मकान मालिक, वो क्या है जो किराएदार को करने की जल्दी रहती है? मैं समझता हूँ कि अपना घर बनाने की जल्दी रहती है। किराएदार की ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द अपना घर बना ले ताकि उसकी जान छूट जाए किराए से। जो डेट है, तारीख है किराया देने की, उससे पहले देते ताकि कोई सवाल जवाब आगे से मालिक मकान की तरफ से ना हो। ओके, किराया वक्त पे देने की जल्दी किराएदार को होती है? I don't know. बिल वगैरह पे कर देना ताकि वो ना लगे। इतने अच्छे लोग बड़े कम होते हैं। जवाब सारे जब चेक कर रहे हैं, जब चेक कर रहे हैं, बंदा चेक करके आओ, बंदा चेंज हुआ, बंदा वो मुझे चेंज कर देंगे। बाबर भाई फूट उठ गए, मुझे लग रहा है कोई और है। नहीं नहीं, जवाब अच्छे थे, क्यों क्रॉस करा? क्या लड़िया का जाके, क्योंकि यहां पर नहीं है अकॉर्डिंग टू द सर्वे। नहीं, यस मैम। सर आपको क्या लगता है कि वो क्या है जो किराएदार को करने की जल्दी होती है? मकान मालिक हम बन जाए, ये जल्दी होती है किराएदार को। किराएदार को ये जल्दी होती है कि वो मालिक मकान बन जाए किसी तरह, तो मकान उसके नाम कर दे मालिक। तो वो तो दिया था जवाब, जल्दी घर ले ले। अच्छा, कोई बात नहीं, हमें क्या है, आपको और मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात से। यस मैम, व्हाट डू यू थिंक? जेब से हाथ निकालेंगे आपको जवाब आएगा, मैं बता रहा हूँ।
जी प्लीज बताइए वो क्या है जो किराएदार को करने की जल्दी होती है? बिजली का बिल भरने की, बिजली का बिल भरने की जल्दी होती है। मिस्त्री मुझे लगता है बुरा ये राउंड कोई नहीं खेला अब तक, ये याद रखिएगा। ये सही वाला बटन खराब, बटन खराब हो गया, ये ऑटो पता नहीं लग गया वहां। सर आखिरी दो चांस है आपके पास, किराएदार को क्या करने की जल्दी होती है? दे भी दे तो क्या उखा ले। अगर अगर 20 अगर कम पार्किंग कंबाइन हो तो किराएदार को जल्दी होती है, वो गाड़ी या बाइक जल्दी खड़ी करे। यार जवाब बहुत मजे के है, जवाब बहुत फिट है। ये नहीं दिया तो हम खेलेंगे नहीं, खत्म। अबे वो चले जाएंगे भाई। लिखो लिखो यार, दरवाजा खोल दीजिए। नहीं नहीं ओए यार ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं ये गलत है, ये तो जेन्युइन रीजंस हैं। ये बड़ी बहुत बुरी बात है। हां तो गलत है, तीन चार ये नहीं होना चाहिए, तीन चार आंसर तो ये बिल्कुल ये होना ही नहीं चाहिए, शो ही बंद हो जाना चाहिए। नहीं 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 शो अच्छा है, यहां पे भी नाइंसाफी, यहां पे भी नाइंसाफी आपके साथ, वहां पे भी नाइंसाफी। पाकिस्तान है ना, खान मालिक ने कुछ पैसे खिला दिया, बहुत खुश हो रहे हैं। चले आप कम से कम ये नहुसत तो तोड़ेंगे, आप 10 रन तो लेने भाई, रिलेशन अच्छा बनाना है कि हाँ अगर चलो किराया वगैरह लेट भी हो तो वो आगे सर पे नाजिल ना हो, उनकी बेटियां हैं या आंटी हैं, क्योंकि वुमेन्स पावर चलती है। ये आपने बेटियों का कवर किया है ना। आइए देखते हैं रिलेशनशिप अच्छा बनाना यार, रिलेशन फाइनली रिलेशन पहले बना लेते आप लोग यार, मालिक मकान से अच्छे ताल्लुकात बनाने के। ओके अब चूंकि पूरा बोर्ड खाली है मिस्टर डी, तो आपको क्या लगता है इसका क्या हल है? टाइम जाया करने के बगैर ना हम लोग आगे बढ़ना है ना, अगले सवाल देखते हैं। नंबर वन आंसर, घर की शिफ्टिंग करने की जल्दी होती है, जल्द अज जल्द शिफ्ट करना है वहां पे, ठीक है। ओके अगला नंबर थ्री, मालिक मकान से अच्छा ताल्लुक किराया कम करवाने की, हाँ ठीक है किराया कम करवाने की बिल्कुल ठीक। यस फोर्थ, पूरा घर कलर करवाने की, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है। फिफ्थ, केबल और नेट लगवाने की जल्दी होती है किराएदार को, हाँ वैसे हाँ आते ही होता है कि यार ये लग रहा है वाईफाई आना चाहिए। ओके सिक्स, एग्रीमेंट करने की, यस ऑफ कोर्स यस बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग सिर्फ 10 नंबर ले सके हैं, बहुत बुरा खेला माशाल्लाह आपने। आइए फाइनल रन देखते हैं कि इस सेगमेंट के एंड पर आप लोगों ने क्या गुल खिलाए। Let's see guys. बहुत obvious result है वैसे तो। 50 वो देखो ना जरा मुस्कुराती हुई शक्लें। बात। उनको तो पता ही है क्या है? 70. What? 70. कुल मतलब। What? ये इतना पूरा खेल लेते हैं। खामोशी से भागो। 70. बराबर पोजीशन पे आ गए ना। ये कैसे हुआ? ये हुआ क्या? हाँ क्योंकि पहले वाले राउंड में आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला था और उन्होंने अच्छा नहीं खेला था। वाओ ओवर कॉन्फिडेंस हो गए खुद ही हमारे आंसर तो जो किराएदार हो जाते हैं अक्सर, हमने खुद ही बता दिया। कह रहे हो हां, कह रहे हो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे जो किराएदार अक्सर हो जाते हैं। जो पहले तारीख को अगर रेंट दे दें तो बस पूरी तारीख हम पूरा महीना हम बहुत इजी रहते हैं, चिल हो जाते हैं। तो आप लोगों को यही लगा? कुछ ज्यादा अपना समझ लिया था है ना, आप लोगों को पीसीआर वाले पे बड़ा भरोसा था। लेकिन एनीवेज अच्छा कमबैक किया आप लोगों ने और अब मुकाबला बराबर है, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो देखेंगे कि कौन इससे बेहतर रिजल्ट दे पाता है। तो देखते रहिए व्हाट द फक। मिस्ट्री शो शॉट में ऐसा है कि हम इन सब को पिक्चर्स दिखाएंगे कुछ, आप में से कोई भी एक खिलाड़ी यहां पर आएगा और वो गेस करेगा। ये बॉल इसलिए है ताकि आप हाथों से इशारे मत करें, इशारा करने पर या आपका सवाल ये पूछना शुरू कर देंगी तो आपके -10 हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत मोहतात रहिएगा, बहुत उजलत में बहुत जल्दी में कुछ ऐसा मत करिएगा कि आपकी टीम को नुकसान हो 10 रन का। सो अभी तक का मुकाबला तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपकी टीम में से कोई आए जो कि गेस करे। तो कौन है? आप आएंगी, प्लीज आइए और बाकी टीम के हाथों में हम थमा देंगे बॉल। देयर यू गो सर। ओके सो यहां पर तशरीफ लाइए मैम। मिस्टर डी आप नीचे ना जाइएगा, इधर आइए। सैड पे गाना। ओके सो सर आप रेडी है सर? शो शॉट में आपके लिए पहली तस्वीर रही ये, कम ऑन सर। वायर 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 मतलब तार है किसी चीज का, इलेक्ट्रिसिटी वायर। अब क्या बता दें? बता ही दिया वायर मैंने, वायर तो बता दिया। मुद्दत हुई इस बात, ये कैसा क्यों दिया आपने? कुछ सातवें सेकंड पे आके कहा वायर।
तो बाकी सेकंड में वो मैं सोच रहा था ये जूते बताऊं या वायर बताऊं। दोनों ही ऊपर पड़ना है, दोनों ही नहीं है। अच्छा सॉरी, जूते भी तो लटके हुए हैं, उसके जूते नहीं आता भाई। तो लटके हुए 7 सेकंड, 7 सेकंड बता सकते थे, पीएमटी लगी हुई होती है। और मजे की बात, दैट इज सो क्यूट, मजे की बात क्या है, ना जूते ना वायर, पोल है, इलेक्ट्रिक पोल था। मैम हम माफी चाहते हैं आपके खिलाड़ी की तरफ से, ऊपर पड़ना है आपको, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के लिए लगाए जाते हैं, पानी के लिए टंकियां, जहाँ से लोग पानी भरते हैं अमूमन, गांव वगैरह में नलके, पाइप गांव में। आप बिना मुड़े गांव में, खेतों में। आप देखने से पता लग गया आपको? नहीं नहीं, मैंने पहले बता दिया था, फिर देखा है। क्या है आपके ख्याल में? ट्यूबवेल। चले, आपके अभी भी कोई नंबर नहीं बने वैसे। आपके लिए अगली तस्वीर है सर, ये आग लग जाती है, बुझाते किससे? पानी से, ऑफिसेज में जो होता है, फायर इंस्टॉलेशन जो कहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बॉल हाथ में रखेंगे, बॉल हाथ में रखेंगे। ओके सर, अभी तक एक जवाब दुरुस्त हुआ है, और खुदा के लिए अब जरा एक्टिव हो जाएं आप, आप अपनी टीम को मत मरवा दीजिएगा। अगली तस्वीर रही है, जंगल में जो डंग मारता है, बिच्छू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ये, जो मोबाइल फोन्स के लिए सिग्नल्स के लिए लगाया जाता है, वाईफाई, राउटर, नेट, नहीं जो एक पलटे नहीं आप, पुराने जमाने में टीवी सही नहीं आता था। एक सेकंड, जब टीवी के सिग्नल नहीं आ रहे होते थे तो हम आपके लिए अगली तस्वीर रही है, हर घर में होते हैं, जिनसे मालिक मकान बहुत परेशान होते हैं, एसी, जो बहुत शोर मचाते हैं, बच्चे। बस गुड वन, शाबाश, वेरी नाइस सर। आपके लिए अगली तस्वीर, बॉल हाथ में, घर में सामान रखते हैं, बर्तन वगैरह रख देते हैं, स्टैंड, उसी का दूसरा कैबिनेट, यस, परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर आपके लिए अगला सवाल रहा ये, अरे कराची का सबसे बड़ा मसला पानी, अरे इतना गहरा नहीं जा रहा, लाइट, ऑप्शंस दो, ऑप्शन दे रहा है, come on, रोडों पे बड़ा होता है, बदबू आती है यार, कराची का सबसे बड़ा मसला एक ही है, मसले हैं, बिजली का मसला, अच्छा कराची के मसले, एक लिसन, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा बहुत बड़ा अलमिया ये है कि उन्होंने जितने मसले गिनवाए वो एक्चुअली कराची के सारे, लेकिन सबसे बड़ा इशू आपने, नहीं सर सबसे बड़ा ये नहीं है शायद, नहीं नहीं ये हर जगह थोड़ी, आप बहरिया में चले जाएं, नहीं मिले, सबसे बड़ा ये नहीं है, सबसे बड़ा पानी हो सकता है, पानी तो पानी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए अगला सवाल है ये, ऑफिस इसमें लेके जाती हैं लेडीज, कोई मीटिंग हो रही है तो लेके जाते हैं, लैपटॉप्स, लैपटॉप किस में रखते हैं, बैग, लैपटॉप बैग, हाँ उसको क्या कहते हैं, केस, केस, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गई, लेकिन लैपटॉप बैग केस तक पहुंच गई, ब्रीफकेस, वो मॉडल, यस सर। अगली तस्वीर आपके लिए सर, आजकल बिजली की जगह वो आप जो है ना वो जनरेटर, यूपीएस, सोलर, सोलर, यस, good one. Okay, आपके लिए I think 10 तस्वीर होगी ना, आपके लिए अगला सवाल है ये, बिजली के लिए जो इस्तेमाल होती है चीजें, इसका क्या खेलना है, पंखा, एसी, दूसरा बिजली के लिए इस्तेमाल होती है, ये जिंदगी भर किराए पे ही रहेगा। नन्हे मियां कुछ तो बोलो, वाई, हाँ अब क्या फायदा, बस आया है ना, खुद ही आया, अभी भी उसके ज़हन में बिचारी के खुद ही आया, but it's okay, that was the right answer, electric wire, but you're too late for that. Yes ma'am, आपके लिए अगली तस्वीर, जो बहुत ज्यादा है हमारे कराची में, ट्रेवल के लिए यूज होती है, ओबर, इन ड्राइव, नहीं जिसमें नॉर्मल आवाम ज्यादा करती है, बसेस, हाँ कौन सी, ट्रांसपोर्ट बसेस, कौन सी, मज़्दा, सदी की होती है, मज़्दा, जिसमें गाने चलते हैं पुराने जमाने के, पहुंच गई,
बेस्ट बात यह है कि उनको सारी बसेस के बारे में पता है, डी 18 ये वो सब बता रहे हैं। बस तो गेस कर दिया ना, पॉइंट मिलेगा ना। गुड वन। हां पॉइंट ये है कि पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पॉइंट मिलेगा, मिलेगा भाई, पॉइंट मिलेगा। It was a W11 bus, वैसे चलें कोई बात नहीं, it's okay, it's okay. Yes sir, last तस्वीर आपकी थी, ये last तस्वीर थी। Okay, that's it. You have done a good job. Lovely. Not bad. अच्छा खेले आप, अच्छा खेले आपके अलावा आप जाओगे? You have to be very active sir. आप इतना loose नहीं खेल सकते। आ कौन रहा है वैसे आप लोग? मैं आ रहा हूँ। आप ही आ रहे हैं? Okay, देखो मैम। अरे इनको भेजते ना। है ना वैसे? हाँ पलट कर नहीं देखेंगे, जिससे सवाल किया जाएगा सिर्फ वही जवाब देगा। बच्चों ने बहुत अच्छा खेला है, अब देखना है कि बड़े क्या करते हैं। आपके लिए पहला सवाल रहा ये, हॉस्पिटल में लगी हुई होती है, हॉस्पिटल में लगे हुए होते हैं बेड, रोशनी रोकने के लिए ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सर ऐसे हो आप एक अच्छा आप दोनों को यार रिश्तेदार हैं आपस में? नहीं नहीं वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी ये चीज क्या बनी हुई है। कलर में देखें आप, ऊपर देखें माइनस। यस सर, आपके लिए अगली तस्वीर रही ये, कचरा उठाने में काम आती है, कचरा उठाने में काम बेचा। हाँ ठीक है, उनको बेचा ठीक है। देखो कौन है भाई, थोड़ा सा घर आते हुए हम लोग लॉक करते हैं, लेकिन हम एक और चीज है जिससे करते हैं, फिर अगले को पता चलता है कि आ रहा कोई कैमरा, दरवाजे के साथ होती है कुंडी। अच्छा इससे अच्छा पलट के नहीं देखेंगे आप, तो देख लिया आपने, इससे आसान क्या दें हम आपको, मतलब दरवाजे के सामने होती है बेल नहीं वो अच्छा सबसे आसान था, बच्चे बजा के भाग जाते हैं बचपन में, बच्चे बजा के भाग जाते हैं सबसे इजी है, आपको बुलाने के लिए बजाते हैं ना, एकदम मैं कंफ्यूज हो गई, घर आने से बजाते हैं। आपके लिए कैसा माहौल बनाया, आपने मुझे रिलेवेंट टैगलाइन देनी है, कितना कैसे आपको रिलैक्स महसूस करवाएं, यहां पे प्रेशर आ रहा था मेरे पे, आप डाला ना नहीं या इसकी नहुसत तो नहीं लग रही सर, इसको बाहर निकाल दो अभी, अभी अभी तो शुरुआत है, उनपे भी प्रेशर है, इसमें से वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज, हां हां उन पे डाल, आप पे डाल दिए उन्होंने, उन्होंने कहा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ओके मैम आपके लिए अगली तस्वीर रही ये, पौधे लगाते हैं उसमें गमला, ओ या गमला परफेक्ट। यस सर अगली तस्वीर रही ये, हर महीने आता है, बहुत ज्यादा आता है, बिजली का बिल, परफेक्ट। अगली तस्वीर है ये, या अल्लाह बैरिया का ऑनर कौन है, बैरिया का ऑनर कौन है, सॉरी बैरिया टाउन का ऑनर कौन है, मलिक रियास, ये खामोशी खामोशी ये हुई ना बात, लैंडलॉर्ड है ना, लैंडलॉर्ड का फोन पहचाना है ना, ऑनर कौन है। Yes, ma'am. अगली तस्वीर आपके लिए, ईदी दी जाती है बच्चों को, ईद ईदी दी जाती है, पैसे 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 पैसे, अच्छा पॉइंट है, पॉइंट अच्छा है, पॉइंट बहुत अच्छा था, ईदी दी जाती है ना, बाप बड़ा ना भैया, हाँ हाँ सबसे बड़ा। अगली तस्वीर आपके लिए, आजकल बहुत काम आ रही है घर पे बिजली, अरे नहीं नहीं वो अरे खाना पकाते हैं जिसपे, बाई बाई मेड गैस, खाना जिसपे पकाते हैं, सॉरी बोली नहीं वाली बात कर रही है, मैड खाना मैड में इतनी गर्म बना You have such a dirty mind, buddy. You have such a dirty mind. Sir, ये जकुड़ा या नस्तूर जिनको निकाले आप? Oh, okay. आपको पता लग गया ना क्या? It's a sweet guy. Sweet guy. ये मैट के साथ कहाँ से आया? Maid. नहीं इनके साथ में मैट. मैं कह रहा हूँ जिसको अलग खाना पकाते हैं. अलग कुछ लेंगे. वो कहता पासी. सर इतने कम आती है बोले बाद में बोला खाना पकाने के लिए. कम आती है. आज भी रहेंगे. तो आपको अफसोस इस बात का कम आती है.
अगर हर एक ऑफिस में एक साइड पे एक सेविंग होता है, मतलब आप वहां से अगर आग वगैरह लग जाए तो आप भाग के जा सकते हो. 1 2 3 स्टेप्स. एक्स्ट्रा पैसेज, सेव एग्जिट. अब तो देर सेविंग होता है. अब देर हो गई आपको, लेकिन बड़ा अच्छा आपने अच्छा था कि आग लग जाए तो आप वहां से जाते हैं. सेफ एग्जिट ना. हां फायर एग्जिट, लेकिन टाइम हुआ. मैंने बोला सेफ एग्जिट. यू वर लेट. यू वर लेट रियली. पीप पे आपने बोला. अगली तस्वीर मैडम आपके लिए. सुबह सुबह डाल के जाते हैं लोग. सुबह सुबह लोग डाल के जाते हैं. उसके लखत दिए जाते हैं, जिसके लखत डाले जाते हैं, खत डाले जाते हैं जिसके अंदर. यार आप लोग क्या ही नजर आ रहे हैं यार. आप लोग इतना शोर. चुप चुप चुप. दोबारा करेंगे, दोबारा टाइमर चलाएंगे. यस सर. उसके लखत डाले जाते हैं, खत डाले जाते हैं जिसके अंदर. लेटर बॉक्स. लेटर बॉक्स. लेटर बॉक्स. इजी इजी. सही जवाब, सही जवाब. हाँ यार शोर नहीं मचाओ, यार शोर नहीं मचाओ. सर जी आपके लिए अगली तस्वीर रही है. सर हाँ हाँ माइनस 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 माइनस. बॉल इसलिए पकड़ाई है सर. माइनस टेन सर. मैं खुश इसलिए हूँ आज के पहले माइनस. आपको पकड़ा दिए बॉल, फिर भी आप हाथ लगा. 10 नंबर कट गए. गाड़ी लगाने लगे थे ना अंदर. अब इन्होंने लेके जाने दिए अंदर कि अब जहाँ गाड़ी लगाते हैं. ऐसे कहना था आपने तो. मैंने कहना था अभी गाड़ी लगाते हैं जहाँ पे. चले माइनस 10 तो हो गए. अब आखिरी तस्वीर है मैडम आपके लिए. लाउडली बोलना थोड़ा लाउड. यस. घर में इंटर होते एक जगह बेल होती है, साथ में लिखा होता है कि किसका घर है. नेम प्लेट. नेम प्लेट. यस परफेक्ट. फाइनल रिजल्ट देखते हैं शोर शॉट का. आप लोगों को क्या लगता है ये जो 10 नंबर नहीं मिले किसकी वजह से? ये हमारे 10 नंबर कट गए. काश मैं एक जवाब दे देता. खेलते आपके पास 3 आए थे. आपका बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मुबारक हो. अल्लाह पाक ने आपको बहुत कामयाबी दी. सियानी ड्रामे की कामयाबी आपकी और मेरी पूरी फैमिली आपकी फैन. थैंक यू सो मच. इसी तारीफी कलमात पे हम ब्रेक में ब्रेक लेने थे मुझे. एक बात बता दूं, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा वही. बिल्कुल. मस्का लगा है. देखते रहिए व्हाट द फॉर. एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे. की वॉचिंग टीवी 1. ओके सो इसमें करना ये है कि दोनों टीम से एक एक प्लेयर आएगा और उनको खेलना होगा कुछ इस तरह से. 1. ओ मिसडी शुरू में ही हार गए आप तो. मैं क्या मिसाल दूंगा मैं बच्चों. ट्राई बॉल. ट्राई. चले 1 1. अब 2 होने चाहिए. 1 2. परफेक्ट. आपके भी 2 होने चाहिए. 1 2. अब 3 होने चाहिए. 1 2 3. परफेक्ट. 1 2 3 4. ओके सो इसी तरह से अगर वो 3 की जगह 4 हो गए या 4 की जगह 2 हुए तो वो टीम का प्लेयर आउट हो जाएगा और आखिरी प्लेयर तक हम शफल करते रहेंगे. सिंपल. आप आएंगे सर इसमें तो आई होप कि आप अपनी टीम को मायूस नहीं करेंगे. ये आपके पास रहा सर. आप इस टीम से आप आएंगे. ओके सो गाइस आर यू रेडी? यस. 3 2 1. कम ऑन. 1 1 2. Whoa. 2. परफेक्ट. आउट आउट. 10 नंबर मिल गएगा. ओके सर आपको 3 करने हैं और आपको भी 3 करने हैं. 1 2 3 4 अच्छा अलग अलग. कम ऑन. 1 2 3 4. परफेक्ट. आपको 3 करने.
वन से आगे चले गए ना। आपको फाइव करने हैं और आपको फोर करने हैं। ये राउंड लग रहा है हम ही ले जाएंगे, है ना? सिक्स हो गए, आउट हो गए, आउट आउट हो गए, सिक्स हो गए ना, सिक्स हो गए। ये लीजिए, आप इनको सेवन करने या नहीं, सिक्स करने, इनको सिक्स करने ना, और मुझे आपको फोर करने हैं। जीत गए। ये कौन सा फोर था? जीत गए। हाँ, आप लोग जीत गए। पहला पहला राउंड खत्म हो गया, आपकी पूरी टीम हार गई, मुंह के बल गिर गए आपकी। ओके, सो अब शुरू करते हैं इनसे ना। आप आइए ना, अब आप तो आउट नहीं हुए ना अभी, आप तो आउट हुई ना, अब वन से ही आएंगे और एक बार फिर आपको मौका देते हैं। हो सकता है बेस्ट ऑफ थ्री, हो सकता है बेस्ट ऑफ फाइव हो। अगर आप लोगों की जलालत बहुत दिखी हुई तो बेस्ट ऑफ थ्री में खत्म होने की वजह लगता है। आइए सर, थ्री टू वन का वन वन टू परफेक्ट। हो गया, टू हो गया, बड़े यहां से टू है, टू हो गया, हो गया, टू हो गया, यहाँ से देख के आराम से पीछे मारा आपको थ्री, उनको भी थ्री, मुझे थ्री करने, थ्री थ्री, ओ थ्री परफेक्ट, थ्री। अब आपको फोर करने, परफेक्ट परफेक्ट, हो गया हो गया, आज पहले नहीं पकड़ेंगी आप, पहले हो गया, हो गया हो गया हो गया, फाइव करेंगी अब आप, आपने पहले पकड़ियां लगा, आप पहले नहीं पकड़ेंगे, मैं ये तो कह रही हूं ना, तो आप पीछे रहेंगे उससे, आप उसको, हां फोर फोर हो गए, अब आपको फाइव फाइव करना है, फाइव आउट, फाइव फाइव फाइव, स्लो स्लो स्लो, अब आपको सिक्स करने हैं और आपको फाइव करने हैं, अपने पास ही मार, हां दे दिया आपने, अब आपको सिक्स करने हैं, बहुत ज्यादा आपको फाइव करने हैं, हो गए फाइव, हो गए फाइव, हो गए फाइव, हो गए फाइव, हो गए सेवन सेवन, और स्लो, अब वन जाएंगे आपको, सर आपको सेवन करने, आपको सिक्स करने, वन से नहीं आएंगे दोबारा, वन नहीं, प्लेयर खत्म हो गए ना, हो गए कितने हुए, सिक्स हो गए आपके, सिक्स हो गए, सर आपको सेवन करने हैं, सर उनके सेवन हुए थे, सेवन टच किए उन्होंने, आउट आउट हो गए, फाइव फाइव, आइए 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 आइए, सेवन करने तुमको, उनको सेवन करने हैं, आपको भी सेवन करने, किस जिसका इंतजार, वो शाहकार आ गया, वो वहां से मैडम आ रहा है, हाँ मैडम आता है, अच्छी दूर से पकड़ना, चार पाँच आउट आउट आउट, उनका लास्ट प्लेयर है, आपका भी लास्ट प्लेयर है, आखिरी आखिरी प्लेयर है, अब खत्म हो गई गेम, क्योंकि अब प्लेयर्स खत्म हो गए, देखें आपकी इज्जत के लिए इसको बेस्ट ऑफ फाइव में तब्दील कर देते हैं, वरना बेस्ट ऑफ थ्री तो दोनों हार गए, ये सेकंड हुआ तो दोनों को जीत गए, सर छोड़ दें, बेस्ट ऑफ थ्री सही है, नहीं सर इसका फैसला हमें करने दे सर, बेस्ट ऑफ फाइव, हाँ अच्छा है ना, हाँ दो दो गुड लक था सेवन, वरना मेरे को तो मैं जीत, मैं दो हुए और दोनों आप लोग जीत गए, सर अब आपसे शुरू करेंगे हम, आइए, और आप में से आप ही आए, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी टीम में से किसी को चांस, तीसरे तीसरे से करते हैं, मिस्टर याद रखिएगा कहाँ से शुरू है, सर वन वन से का वन वन परफेक्ट, टू परफेक्ट, परफेक्ट, आउट,
आइए थ्री 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 आप आते हैं कोई भी आते हैं नहीं क्या आप जाएंगे आप आते हैं थ्री थ्री फोर फोर थ्री ओके फोर संख्या थ्री सर आपके थ्री है परफेक्ट फाइव फाइव ओके आगे नेक्स्ट ये जाएंगे नेक्स्ट मेरे फोर आपके फोर है आपके फाइव है नाइस फोर नेक्स्ट फाइव आपके फाइव है आपके फोर है ज्यादा होगा ज्यादा होगा मेरे फोर है ना आपके फोर फोर फाइव मैं देता हूँ हाँ ठाकुर आओ देखो मैम आपके कितने थे फोर फोर फाइव करने आप फाइव करने बस आपकी खत्म हो गई है आप रहते हैं ना नहीं 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 पहले आप ऐसे इंतजार हुआ था तो ये तो खत्म हो गया नहीं जरूरत नहीं पड़ी हम जीत गए देखिए अगर मैं आता तो आप जीत जाते थ्री टू वन कम ऑन वन वन परफेक्ट टू परफेक्ट वन टू पहले पकड़ लेगी तो उसका तीसरा होकर निकल सकती थी थोड़ा पीछे खड़े हो आने दो नीचे तीन करने आपने आप मुझे कितने करने आपको फोर ओके आपको थ्री करने आपको फाइव करने आपको फोर करने हैं उनको फाइव करने फाइव उनके फोर है वन टू थ्री फोर ओके फाइव फोर फाइव मुझे लग रहा है बेस्ट ऑफ सेवन माहौल बन रहा है ओके फाइव करने आपको नेक्स्ट प्लीज कम ऑन फाइव करने हैं इनको करने हैं फाइव बनकर ही किए तो थे आपने दूर से कैच करा फाइव फाइव ओके आपको सिक्स करने हैं और उनकी टीम के बेस्ट प्लेयर आ चुके हैं आखिरी मुझे ये क्या था प्रेशर में आ गए आप उनके बेस्ट प्लेयर के इट्स ओके आपको करने हैं सिक्स आपको करने हैं फाइव फाइव ओके कम ऑन फाइव अरे बैठो 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 सर आपको करने हैं फाइव फाइव ओके सो ऐसा है यार एक एक हम लोग खेलने लगे देखें एक अब ऐसा है मिस्टर डी कि अब हम इसको बेस्ट ऑफ सेवन नहीं बना रहे इतनी भी फुर्सत नहीं है हमारे पास ओह
ये इतना फर्क है, इतना हम दोनों में करना फर्क है। और वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते रहिए व्हाट द फन। लौट कराएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। मिस्टर डी, अब आप हमारा आखिरी राउंड शुरू होने जा रहा है और आप जैसे अभी बता रहे थे ऑफर भी कि इसमें मामला पलट सकता है। अभी जितनी मर्जी लीड होगी इसमें आप सबसे एक एक सवाल किया जाएगा और वैसे तो बहुत सारे सवाल होंगे लेकिन उस एक सवाल का अगर किसी एक ने भी गलत जवाब दे दिया तो वो सवाल दूसरी टीम के पास चला जाएगा। ऐसा ही आपके साथ भी होगा और जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वो जवाब देगा, अदरवाइज माइनस 10 हो जाएंगे। तो बहुत एहतियात से खेलिएगा, बहुत जल्दी में बहुत गलत जवाब देते हुए या दूसरे की मदद करते हुए अपने माइनस 10 मत करवा लीजिए। अगर आपने सही सवाल देते रहे तो आपके पास ही रहेगा गेम। हाँ एग्जैक्टली, अगर आप मुसलसल सही जवाब देते रहेंगे तो गेम आपके पास रहेगा, उनके पास जाएगा ही नहीं। तो मैक्सिमम सही जवाब देने की कोशिश और बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, आप तो वैसे नहीं कर रहे। बहुत बेसिक आंसर होंगे, सो थिंक लाइक अ लेमैन। ओके सर, ओके कौन आएगा पहले टॉस करेंगे हम बजर से, कौन आएगा आप लोगों में से? किराएदार मालिक मकान का डैश लेता है किराया, मालिक मकान किराएदार मालिक मकान का डैश लेता है। सोच के किराएदार मालिक मकान का डैश लेता है। सर किराएदार मालिक मकान का डैश लेता है घर लेता है। एग्जैक्टली राइट आंसर। सर यू कैन गो देयर, आपकी टीम के साथ खेलेंगे। कमाल कर दिया लाउंडे ने भाई, देख रहे हो कभी कभार आखिरी बॉल में चल जाता है। मेरी मेहरबान हो गई है ना, चलिए हक की पर हमारा छोटा सिक्का चल पड़ा। ऑलराइट गाइस, अच्छा अब आप टॉस जीत गए हैं, अब आप इन्होंने जवाब दिया, अब आपसे सवाल ठीक है। ओके, मालिक मकान डैश लेकर वापस नहीं देना चाहता। एडवांस। एग्जैक्टली राइट आंसर। तूने सोच के जवाब दे, कोई इशू नहीं। किराएदार मालिक मकान को डैश देता है किराया देता है। डेली सवाल करना, बिल्कुल बेसिक रहना है। मालिक मकान बड़ी डैश वालों को घर नहीं देता। फैमिली। राइट आंसर। 40 पॉइंट होगा आपके। प्लेइंग वेल, प्लेइंग वेरी वेल और परफेक्ट, वही लवसी वो बोल रहे हैं, इतने परफेक्ट चल रहे हैं। पेपर तो नहीं आउट हो गया, दोबारा दोस्ती हो गई। किराएदार घर लेने से पहले मालिक मकान का डैश देखता है। ये हो चुका है ले जा या जैसे कि किस तरह बिहेवियर। यस सर। घर यार, फैमिली, फाइनेंस, खत्म हो गई ये बात दूर। बल्कि आप आए थे ना हमारे पास, तो आपसे शुरू करते हैं। घर देखता है किराएदार घर लेने से पहले मालिक मकान का डैश देखता है। किराएदार घर लेने से पहले मालिक मकान का डैश देखता है। मालिक वो दीवारें देखता है, मतलब घर ऊंचा नहीं बोलेंगे, बात में नहीं बोलेंगे, माइनस टेन होगा ऐसे। छोटे सवाल चेंज कर, आप चुप कर जाएंगे बिल्कुल। सर सवाल, सवाल है कि किराएदार घर लेने से पहले मालिक मकान का डैश देखता है, घर देखता है, उसका घर देखता है या घर देखता है। हमने किसी को नहीं बताया। मालिक मकान घर में अपनी डैश खड़ी करते हैं पर किराएदारों की खड़ी करने से मना करते हैं। गाड़ी। गॉड यस, Very simple. Yes, sir. किराएदार ज्यादा डैश इस्तेमाल करे या जाया करे तो मालिक मकान को गुस्सा आता है। पानी। Nice. मालिक मकान अपने घर में डैश करने की इजाजत नहीं देता। आप बिल्कुल ठीक कहने वाली हैं, आपको पता है ये बात। मैं रिपीट करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कहने वाली। मालिक मकान अपने घर में डैश करने की इजाजत नहीं देता या करने से मना करता है। सुराख वगैरह। सुराख इट इज। यू आर राइट। एक बात बताएं, आप दोनों क्यों हंस रहे थे सवाल में? क्योंकि बड़ों की बातें। अच्छा वाकई भाई, अगर कोई गलती से किराएदार की बजाय मालिक मकान की डैश दबा दे तो वो गुस्सा करता है। वो भी ठीक है,
डोरबेल हर मालिक मकान कम डैश वाले किराएदार रखना चाहता है. कम फैमिली वाले. वेल प्लेड अच्छा कमबैक. किराएदार मालिक मकान का डैश एक ही हो तो बड़ी लड़ाई होती है. किराएदार का और मालिक मकान का अगर डैश एक ही हो ना तो लड़ाई होगी. बिजली का बिल बिल्कुल दुरुस्त सवाल. इजी पूछेगा. ऊपर पोर्शन में रहने वाली फैमिली डैश नहीं खोलती. दरवाजा नहीं खोलती. यस उसकी जिम्मेदारी नहीं. नीचे वाले जाके खोलेंगे. भाई ये नहीं आने दे रहे इधर. ओके डैश खोलने की जिम्मेदारी नीचे वालों की होती है. दरवाजा या पानी की मशीन. पानी की मोटर. बिल्कुल दुरुस्त सवाल. ऊपर रहने वालों को अक्सर डैश बड़ा होता है. ऊपर रहने वालों का अक्सर डैश बड़ा होता है. पोर्शन बिल्कुल एग्जैक्टली पोर्शन. आजकल लोग किराया मालिक मकान के डैश में डाल देते हैं. अकाउंट भाई इतना अच्छा खेल रहे हैं क्या हो गया. मालिक मकान है ना. मतलब देख रहे हैं एग्जैक्ट. बुरे किराएदार हर वक्त घर में डैश करने का सोचते रहते हैं. झगड़ा. Finally, guys, I am coming back to you. मेरे से क्यों होता है ये? ये भी हमारा कसूर है. पूरा घर वाला फोन लगा मुझे. उन्होंने जवाब क्या दिया? ये मुझे नहीं जानना और आपको भी नहीं बताना. नहीं तो गलत तो पता चले ना क्या? नहीं आप मुझे आप अलर्ट रहे. मेरा कसूर नहीं है ये. बुरे किराएदार हर वक्त घर में डैश करने का सोचते रहते हैं. आपसे सवाल ही नहीं था. तुमने बोला कि बात मुझसे हो रही. माइनस टेन करवा दिया आपने बाजी. हम कंफ्यूज हो गए. कौन हम सब? क्यों? मेरा सवाल जवाब सही है इसका मतलब. नहीं मैं समझी कि हम मतलब टीम्स हैं दो. वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था शुरू में. एक चांस दे दें. हम माइनस टेन हो गए. अब हो गए. फिर वो भी मांगेंगे एक चांस. हम कहां थे मिस्टर डी? इस टीम में हम कहां थे? यहां आए थे. आपने भी डांटा था मुझे. सॉरी मैम को डांटा नहीं था. नहीं वो बड़ी बीवियों वाली फील थी ना आपने मुझे. घर वाला बोल. अब मेरे पे डाल दिया सारा. अच्छा ना बीवी के साथ चले जाए. मैं एकदम है क्या मतलब मुझसे आप सवाल कर रही क्या किया मैंने. ओके बुरे किराएदार हर वक्त घर पे डैश करने का सोचते रहते हैं. कब्जा करने का सोचते हैं यार मिस्टर डी. सो सिंपल. ऊपर वालों की डैश नीचे वालों तक आराम से आ जाती है पर नीचे वालों की ऊपर मुश्किल से जाती है. ऊपर वालों की डैश. बहुत अलग जा रहा है यार ये. रिपीट ऊपर. देखिए ऊपर वालों की डैश नीचे वालों तक आसानी से आ जाती है लेकिन नीचे वालों की डैश ऊपर वालों तक नहीं जाती. आवाज़ अच्छे मालिक मकान अपने किराएदार का डैश करते हैं. ख्याल रखते हैं. परफेक्ट आंसर. परफेक्ट नमा तुला जवाब. भाई आखिरी चंद सवाल बाकी. मेरे साथ ही होता है. डैश किराएदार मालिक मकान दोनों से पैसे लेते हैं. आ जाओ अब तुम्हारा मार देंगे. हाँ कब उठा के मारेंगे? दोबारा है लो देखा. दोबारा सवाल पूछें. यहीं से पूछो. डैश किराएदार और मालिक मकान दोनों से पैसे लेते हैं. डैश मैं सवाल समझ नहीं आया. कैश किराएदार और मालिक मकान दोनों से डैश लेता है. सवाल ही नहीं. 3, 2, 1 मुझे उन्होंने सोचने नहीं दिया. आपको सोचने दिया फिर उन्होंने काउंटडाउन दिया. अरे इतने लोगों से फट डाल करोगे कैसे जियोगी जिंदगी? एक दफा मेरे साथ ही होता है. अरे अबे मैं डर जाता हूँ. इसकी मीम बन जाएगी. मैं सहम जाता हूँ ना करो. बस रेटिंग हो गई. अच्छा ओके सो हम आप पर थे और इन्होंने बोल दिया था तो आप दोनों तो कैंसिल हो गए. अरे भाई मेरा भाई. अरे यार देखो मुन्ना ये बताओ डैश किराएदार और मालिक मकान दोनों से पैसे लेते हैं. स्टेट एजेंसी वाले बिल्कुल एग्जैक्टली. मुश्किल
मुश्किल था मेरे लिए थोड़ा। मेरे लिए मुश्किल था, आपके लिए मुश्किल था। ओके आई विल मैनेज। ये स्टैंडर्ड तो मैं बाहर ही नहीं करती ना। हाँ, जब भी किराएदार के घर से डैश की आवाज आती है तो मालिक मकान को गुस्सा आ जाता है। बच्चों की सर, जब भी किराएदार के घर से डैश की आवाज आती है तो मालिक मकान को गुस्सा आता है। सर इसके दो आंसर हो सकते हैं, मैं दोनों बता दूं जो सही हो। तोड़फोड़ की और म्यूजिक बजाने की, शोर शराबा। तोड़फोड़ इज द राइट आंसर, एक्चुअली ड्रिल करने की, तोड़फोड़ करने की, बिल्कुल ठीक। ये डबल डबल आंसर क्यों हो रहा है? अच्छी बात, अगर उनका पहला जवाब गलत होता ना तो मैं कैंसिल कर देता। उनका पहला जवाब सही था। ओके, घर में अगर डैश खुली रह जाए तो पूरे घर में बुआ। गैस। गैस। मुझे लगा आप खिड़की बोलने वाली हैं। नहीं नहीं। है ना? I was thinking नहीं, बदबू से पहचानी मैं। Exactly। लेकिन कौन सी गैस? रियल गैस। हाँ, गैस है। एक एलपीजी है और एक रियल गैस। हाँ। आप जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है। Alright, so कुछ मालिक मकान अपने किराएदार को हर वक्त डैश करते हैं, तंग करते हैं, तंग करते हैं। जीत गए। दे क्लीन स्वीप टाइप की फील आ रही है। दे दो। मुझे क्लीन स्वीप टाइप की फील क्यों आ रही है? सारे आसान सवाल वही हो गए। उनसे नहीं पूछ रहे, ये सबके पास थे। नालायक आ रहे सब, आ रहे आ रहे। मालिक मकान हल्के आ रहे, आ रहे वो देखो जरा, आ रहे हमारे ऊपर आ रहे। एक खिलाड़ी हमारा है ना यार, ना सही आंसर देना प्लीज। किराएदार घर छोड़ता है तो मालिक मकान उसका डैश काटने की सोचने लग जाता है। इसका किराया कोई कुछ नहीं बोलेगा। अल्लाह थैंक यू, थैंक यू। कोई नहीं बोलेगा, माइनस 10 हो जाएंगे। मैंने अल्लाह बोला। नजर रखिए, हम कहां थे? हम आप भाई। हेलो, नहीं ये कैसे है? हां हां, रॉन्ग हुआ था इसका, रॉन्ग हुआ था ना। हां, इनका गलत हुआ था। यस सर। किराएदार घर छोड़ता है तो मालिक मकान उसका डैश काटने की सोचने लग जाता है। एडवांस, एडवांस यार, पहले बोला था तो गलत था। हम हाँ, क्या पहले एडवांस बोला था आपने? गलत बोला तो ये सवाल में एडवांस था उसमें। मेरे माइंड में आया था, मैंने नहीं बोला। हाँ तो आपने समझा? अब कहो वो हमारे साथ कह दो, मेरे साथ ही होता है। मेरे जीत के भी रोना लोना। हाँ देख रहे हो। ओके यस मैम, आपकी बारी। मालिक मकान को किराए के अलावा डैश की टेंशन होती है। मालिक मकान को किराए की तो टेंशन होती है, लेकिन एक दो और चीजें जिनकी टेंशन होती है। बिल्स। बिल्स, एग्जैक्टली, परफेक्ट। आखिरी सवाल है, आखिरी आखिरी है, बिल्कुल वो भी इन पे बिल्कुल ही वापस से शुरू से रिपीट करते हैं। बिल्कुल ही आखिरी, एंड लिखा हुआ है इसके आखिर पे। घर की शिफ्टिंग डैश को बुलाए बिना नहीं हो सकती। मजदूर इनसे मिली। एंड आपने किया है। इत्तेदाम अच्छा था। मेरा इत्तेदाम अच्छा किया आपने। स्टार्ट भी अच्छा था। स्टार्ट भी अच्छा था। नहीं, एंड इन्होंने अच्छा किया। इसका भी और इनका भी। आइए देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या रहा बजर बैटल का। ये तो like 360, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आखिरी राउंड में ही इन्होंने बाजी मारी है। 240, हां अगर ये नहीं जाने देते तो ये है ना। एग्जैक्टली, आखिरी राउंड आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। आप लोग इतने एक्यूरेट थे कि जो लिखा था वो लव्स बोल रहे थे। परफेक्ट गाइस, वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल। थैंक यू। ओके, सो हमारे शो की एक रीत है कि हम हारने वालों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ट्रॉफीज आपको हारने वाली टीम देगी। प्लीज तशरीफ लाइए। हाँ मेरे दोस्त, come on guys, come on, sir please, sir आइए। Thank you sir, lucky man, आइए मैम। Perfect, आइए sir। क्या बात, very nice, आइए मैम। फिर भी हम लोग जीत गए, मेरी वजह से जीते हैं। Okay, perfect, perfect, perfect. Thank you so much for coming, guys, and thank you so much for watching. WTF, thank you, audience. बहुत शुक्रिया. I know you guys are tired, but you are amazing.
थैंक यू वेरी ऑफ थैंक यू सो मच देखते रहिए व्हाट द फक व्हाट द फक व्हाट द फक